चीज याद रख लो, जिंदगी का कोई भी काम करो, मीडियोकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। रहना है तो फिर ऊंचाइयों पर, सबसे ऊपर। साथ ही साथ ये याद रखना, ये आप लोगों के लिए भी नसीहत है, साथ ही साथ ये याद रखना कि जितनी ऊंचाई पे जाओ, पैर जमीन पर हो। मैं बुढ़ापे में किसी का सहारा हो नहीं सकता, मेरी गैरत को अब ये गम गवारा हो नहीं सकता। रहेंगे हम सदियों, जवाब तय कर लिया हमने, बुढ़ापा सबका होगा पर वो हमारा होगा। मेरी उम्र रवा 25 से ऊपर नहीं होगी, उधर सिन उनका 17 से 18 हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले उज़मा आप मुझसे बात करना शुरू करें, यहाँ बहुत ही मौज़ज़ हमारे दोस्त बैठे हुए हैं और प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। अभी बुशरा आप आई थी, वो कह रही थी कि प्रोटोकॉल हमें ज़रूरत नहीं है, वाकई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोटोकॉल उनके साथ नहीं लगी होती ना, तो मैं ये इंटरव्यू करके जा चुका होता, क्योंकि मेरे साथ प्रोटोकॉल लगी थी और मैं बड़ी जल्दी पहुंच गया इधर। तो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, मगर वाकई हमें ज़रूरत नहीं होती प्रोटोकॉल की। मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ने भी बोला कि जबरदानपुर बोलने दे, मेरा माइक उन्होंने बंद कर दिया लेकिन नहीं नहीं ये वाला बंद हो गया था। हेलो यस। अच्छा जी, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आते हुए ना एक डंडा हाथ में लेकर आई थी, ठीक है। झंडे की वजह मैं आपको वैसे तो बाद में बताऊंगी, लेकिन अदनान कुछ अरसे से, वैसे तो खैर आप हीरो ही हैं हमारे बहुत अरसे से, लेकिन कुछ अरसे से आप नेगेटिव रोल्स में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो मैं ज़रा मोहतात होकर तो ये ले आई, लेकिन क्या खास वजह, ज़्यादा मज़ा आ रहा है या रोल्स ही ऐसे मिलने लगे? नहीं, अगर आप मुझे तशबीह कर रही हैं आप मेरे पास तुमसे, तो वो नेगेटिव नहीं था, मुझे नहीं लगता वो नेगेटिव था। अगर इसके अंदर कोई नेगेटिव था तो वो मैवेश थी। भाई मैं आपको बताता हूँ क्यों, उसकी वजह क्या है। जो शहवार था उसने कभी झूठ नहीं बोला, पहले दिन से उसने कहा मैं शादीशुदा हूं। दूसरी दफा उसने, बच्चों सुन लो, खुदा के वास्ते मेरी बात तो सुन लो, बच्चों को आइडियाज मत दो, बच्चों को आइडियाज नहीं दे। उसने कहा था मैं शादीशुदा हूँ, उसने कहा था कि मेरी बीवी है। अच्छा, सबको इस बात पे एतराज था कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो भाई जहाँ एक हाथ ये है तो दूसरा हाथ भी है ना, दोनों हाथ से ताली बजती है, तो कुछ इसकी भी गलती होगी, कुछ उसकी भी गलती होगी। जेंटलमैन में भी जो किरदार, अभी हम लोग जब बैठे हुए थे जहाँ पे कुछ डिस्कशंस चल रही थी, तो एक खातून ने बड़ी जबरदस्त बात कही, उन्होंने कहा कि अदनान जेंटलमैन में जो आपने किरदार किया है, शायद वो किरदार आप खुद भी दोबारा उस तरह से ना कर सकें, इतना बेहतर। खैर उन्होंने तारीफ में कहा, और मैंने फौरन कहा कि ये खुद अपने स्टैंडर्ड्स ब्रेक करते हैं, तो जेंटलमैन में भी क्या गेटअप किया है आपने? नहीं, वो तो बस इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये जो भी कुछ होता है ना, पूरी टीम होती है, उसके पीछे आपके आर्ट डायरेक्शन होती है, उसके पीछे आपके कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स होते हैं, आपका डायरेक्टर होता है, आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो उन सबकी ये ख्वाहिश थी कि मैं इस किस्म का एक गेटअप करूँ, कुछ मेरी भी इनपुट थी, वो हो गया और बहुत ज़बरदस्त हुआ। अच्छा, आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान और अहमद शाह ख़ास तौर से यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है हम पूरे के पूरे पाकिस्तान को आपस में कनेक्ट कर सकें, और इसी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और दान आपको और तमाम देखने वालों को मैं बताना चाहती हूँ कि ज़रूर जो लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं उनको ये बता सकें कि आर्ट्स काउंसिल के फेसबुक पेज से लाइव ये टेलीकास्ट हो रहा है, तो जो यहाँ नहीं है वो वहाँ पर भी देख सकते हैं। अच्छा दान, मैं बहुत टिपिकल बात करने जा रही हूँ, लेकिन बहुत ख्वाहिश थी
कि मैं अदाकारी करूं, मुझे लगता है 55 तक पूरी नहीं होगी। क्या आपकी भी बचपन से यही ख्वाहिश थी कि आप अदाकारी करें या कुछ और बनना चाहते थे? नहीं, मैं तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक्टिंग की तरफ आया। मैं तो अभी बचपन पे हूँ। हाँ, आप तो हैं। नहीं नहीं, आप बचपन में क्या सोचते थे? बचपन में मैं तो GDP पायलट बनना चाहता था, मगर मुझे पता लगा उसके लिए फिजिक्स आपकी अच्छी होना जरूरी है। वो बिल्कुल पैदल थी मेरी, तो शायद मैं इस वजह से नहीं बन पाया। मगर जो मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद मैं बैंक मैंने ज्वाइन किया। बैंक ज्वाइन करने के बाद वो नहीं सिलसिला ख़त्म हुआ, क्योंकि बहुत ड्राई था। एडवर्टाइजिंग में गया, फिर टेलको में गया, उसके बाद मैं बीच में एक उरूसा किया था, उसके बाद फिर मैंने ये बाकायदा शुरू कर। अदान, कब की बात है उरूसा? 92। अच्छा, आपने PTV से भी प्लेस किए हैं, कोयटा टेलीविजन स्टेशन से कभी कोई प्ले किया आपने? कोयटा से कभी भी नहीं किया, क्योंकि कोयटा से किसी ने बुलाया नहीं। उस जमाने में यही 4-5 चैनल्स होते थे, तो हम आउट ऑफ स्टेशन भी जाके काम किया करते थे। मगर मैं ये पहली दफ़ा आया हूँ कोयटा, और जो मैंने मेहमान नवाजी देखी है, जो आपका प्यार देखा है, जो खुलूस देखा है, मेरे ख्याल में यहाँ सब्जी उगती नहीं है। इतना कल गोश्त आया है चीफ मिनिस्टर साहब के घर में कि अभी तक हजम नहीं हुआ है। मगर ये मैं आपसे आज कह रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब, आपने साथ दिया तो मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, मैं यहाँ पूरी एक प्रोडक्शन लेकर आऊँगा और यहाँ ड्रामा बनाऊँगा। बिल्कुल। तो अदनान सिद्दीकी पहली मर्तबा कोयटा आए हैं, कैसे वेलकम करेंगे आप उनका? बिल्कुल एक दफा हो जाए, 1, 2, 3। Not only that, I will come here, I will audition, और यहाँ के अदाकारों को और जो budding actors हैं उनको भी यहाँ से लूँगा इंशाल्लाह। चलो, ये तो जबरदस्त हो गया। अच्छा, जहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम सब अदनान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, स्क्रीन पर देखते हैं, हम थोड़ा ज़ाती तौर से भी जानते हैं। एक चीज़ मुझे खुद भी आज पता चली, और मैं चाहूँगी कि आप जो हैं वो आज यहाँ पे स्टेज पे ये चीज करके दिखाएं, ताकि ये बच्चे भी खुश हो, उनके लिए आप भी कुछ तोहफा लेके आए। अदनान बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हैं, तो कौन सुनना चाहेगा इनकी बांसुरी? अदनान, क्या आप प्ले करेंगे? ये तो मैं ले आई मैंने आपसे पूछे बगैर, ये तो मेरे साथ रहती है। मगर आप एक काम करें, वो माइक चल नहीं रहा, आप इधर आ जाइए ताकि इस पे आप बना चला सके। हेलो, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। बांसुरी सुननी है तो मैं बोलूंगी 1, 2, 3, खामोशी हो जाए प्लीज। 1, 2, 3। आपने एडवर्टाइजिंग में भी काम किया, आपने एक्टिंग भी की, आप अब प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, एक बहुत बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है पाकिस्तान और टर्की के कॉम्बिनेशन से, यू आर वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। जी हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी एक ऐसा किरदार है जो बड़े सोच के साथ, उसके पीछे बाकायदा एक रिसर्च हुई कोई 3.5 साल की, एंड वो टर्की में बन रहा है आजकल। आप उसकी डब के साथ हो के पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, उसको एक निजी चैनल उसको दिखा भी रहा है। मगर जो सबसे ज़रूरी बात थी कि मुसलमानों का क्या रोल था दुनिया भर में, वो एक ऐसे लीडर थे जिनको सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि अंग्रेज़ों ने भी उनको बहुत ही सराहा है।
So they talk about him a lot. बिल्कुल बहुत अरसे से हमारे यहाँ ऐसी productions बंद हो गई थी. आखिरी चट्टान हम देखते थे PTV से आया करता था. उस time पे ऐसे plays होते थे. बहुत अरसे से कमी महसूस हो रही थी. So thank you कि आपने जो है ये खला भी पूरा किया. नहीं नहीं बहुत ज़रूरी है इस किस्म के प्लेस बनाना और साथ ही साथ क्योंकि एक ज़माना था PTV का दौर था उसमें आप देखते थे कि आखिरी चट्टान की बात की शाहीन की बात की ये सारे ड्रामे तारिक बिन ज़ियाद ये ड्रामे बना करते थे ताबीर होता था. आजकल ये दौर ख़त्म हो गया है तो PTV की बड़ी खिदमात है इस हवाले से. मैंने एक सिलसिला शुरू किया था हम माइनॉरिटीज़ के लिए भी ड्रामे बनाते थे तो मैंने जो अपनी प्रोडक्शन हाउस बनाया है तो उसके अंदर सीता बागड़ी एक हिंदुओं के लिए भी एक ड्रामा बनाया कि उनका भी एक किरदार है पाकिस्तान की बनने में और उसकी तरक्की में और हमारा हिस्सा है वो हमारे शहरी है बिल्कुल. और आई एम श्योर कि जब आप यहाँ पे जो प्ले बनाने की बात कर रहे हैं क्वेटा बलूचिस्तान की बहुत रिच हिस्ट्री है तो आई एम श्योर कि आप उसको भी आगे चलेंगे. अच्छा हर इंसान की ज़िंदगी में किसी ना किसी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ठीक है. और वैसे तो हर फैमिली मेम्बर की अपनी जगह होती है अपनी इंपॉर्टेंस होती है लेकिन अदनान आपके अक्सर गुफ्तगू में हमने आपके वालिद का जिक्र बहुत सुना है. जी हाँ बाबा मेरे ख्याल में बहुत सही सुना है और होना भी चाहिए. आज वो नहीं है इस दुनिया में मगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी हवाले से एक हम मिसाल देते हैं तालीम और तरबियत वो बिल्कुल गलत है इसको उल्टा होना चाहिए. तरबियत और तालीम जो तरबियत का हिस्सा है जो घर से जो आपको मिलती है तरबियत जो 5-6 साल है वो आपकी ज़िंदगी पे हमेशा रहता है वो असर अंदाज हमेशा रहेगा. जो आप घर से सीखते हैं वो कभी आप भूल नहीं सकते. तो तरबियत के साथ तालीम और तालीम तो ज़रूरी है मगर जब तरबियत आपको मिल जाएगी घर से तो आप कहीं नाकाम नहीं हो सकते. बिल्कुल वो कहते हैं ना कि तरबियत तालीम की माँ है तो यकीनन ये बहुत अहम पहलू है. अच्छा आपके बहुत से हिडन टैलेंट्स हैं जिन पर हम अभी ज़रा और भी आएंगे. खैर इतने हिडन नहीं हैं लेकिन एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगी. आप जिस तरह से मैं बता रही थी कि अदाकारी की आपने मॉडलिंग की प्रोडक्शन की आप शायरी भी करते हैं बांसुरी भी बजाते हैं लिखने का कोई इरादा है मूवीज में भी आपने काम किया है तो कुछ लिखने का भी आपका इरादा है? ऐसे तो लिखता रहता था मैं मगर अब बाकायदगी से एक सीरियल पर काम कर रहा हूँ मैं. उन्वान बता देता हूँ पहली मोहब्बत अब हुई है वो बहुत जल्द आप देखेंगे वो मैं लिख रहा हूँ. That's it. अच्छा आपकी एक आई थिंक नज़म भी है वो तो बाद में सुनाऊंगा मगर एक हवाले से एक जबरदस्त एक एक सुना दे एक बाद में सुना देंगे सुन लेंगे क्या ख्याल है सुन ले कुछ अदनान सिद्दीकी का लिखा हुआ. मेरा नहीं लिखा हुआ ये किसी का है मैं आपको सुना देता हूँ. Okay. मैं बुढ़ापे में किसी का सहारा हो नहीं सकता मेरी गैरत को अब ये गम गवारा हो नहीं सकता. रहेंगे हम सदियों जवाब तय कर लिया हमने बुढ़ापा सबका होगा पर वो हमारा होगा. मेरी उम्र रवा 25 से ऊपर नहीं होगी उधर सिन उनका 17 से 18 हो नहीं सकता. सुना है कभी सूरज तुलू हो जाए मगरिब से मुमकिन है शादीशुदा फिर से कुवारा हो नहीं सकता. कहते हैं कि नेक बीवी हूर की सूरत में मिलती है. सुन रहे हैं ना शाह साहब नेक बीवी हूर की सूरत में मिलती है. मेरा जन्नत में इस तरह खसारा हो नहीं सकता. खुदा से यूं कहूंगा ऐ खुदा ऐ मुसीबत टालने वाले खुदारा ऐसा हो नहीं सकता. कोई सी हूर मिल जाए सब्र कर लूंगा अपनी बीवी का शौहर में दोबारा हो नहीं सकता. आखिर में जवानी में बीवी खामखा साथ रहती है जवानी में बीवी खामखा साथ रहती है बुढ़ापे में बगैर उसके गुजारा हो नहीं सकता. जबरदस्त. तो अभी जो आप खुद लिखते हैं उसको हम थोड़ा सा महफूज रखते हैं आखिर के लिए. अच्छा अदनान आपकी फैमिली में आपके बच्चों में से अगर कोई इस फील्ड में आना चाहे तो क्या आपके तासुरात होंगे और कोई आना चाहता है? अगर मैं जो काम कर रहा हूँ और अपने बच्चों को इस काम के लिए मना करूँ तो ये तो दोगलापन हो गया तो मैं तो नहीं मना करता. जो मुझे मेरे अब्बा ने मुझे सिखाया मैं वही उसको बात कह के आगे कह दूंगा. आगे उनकी मर्जी है वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते.
मुझे याद है जब मैं अदाकारी की तरफ जा रहा था तो मैंने अपने अब्बा से कहा जो आप कहते थे पढ़ने को मैंने पढ़ लिया, आगे मैं अदाकारी की तरफ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि क्या बनोगे तुम। मैंने कहा अदाकार बनूंगा और क्या बनूंगा। कहते नहीं अदाकार तो बहुत है। तो मैंने कहा उनमें एक मेरा भी नाम होगा। कहते नहीं, एक चीज याद रख लो, जिंदगी का कोई भी काम करो मीडियोकर जिंदगी नहीं जी जा सकती। रहना है तो फिर ऊंचाइयों पर, सबसे ऊपर। साथ ही साथ ये याद रखना, ये आप लोगों के लिए भी नसीहत है, साथ ही साथ ये याद रखना कि जितनी ऊंचाई पे जाओ पैर जमीन पर हो। तीसरी बात उन्होंने कही कि आज तुम हीरो आओगे, कल हीरो के भाई बनोगे, फिर चचा बनोगे, फिर बाप बनोगे, दादा बनोगे, इवेंचुअली एवरीथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, मगर एक चीज तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ह्यूमिलिटी, आजिजी। जितनी आजिजी, जितने ह्यूमन रहोगे, जितना जमीन पे रहोगे, इंशाल्लाह उतनी तरक्की करोगे। और आखिर में एक शेर सुनाया उन्होंने मुझे, जो एज ए लेगेसी मैं आप तक भी पहुंचा रहा हूं। उरूजे बख्त मुबारक, उरूजे बख्त मुबारक, मगर ध्यान रहे इन्हीं दिनों के ताकुब में है जवाल के दिन। जबरदस्त। और मेरे ख्याल से आपने अपने फादर की उस बात को पल्लू से बांध लिया, और आपको जो है हम देखते हैं कि सिर्फ ड्रामास में नहीं, फिल्म्स में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, हॉलीवुड तक जो है आपने काम किया। अच्छा, जरा अभी जो आप हम लोग बात कर रहे थे कि हम भी यही समझते हैं कि आपने सब काम किया, कि काम को देख के जो है वो हॉलीवुड ने आपको अप्रोच किया, लेकिन सीक्वेंस जरा उल्टा है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, तो ये ट्विस्ट जरा आप बताना चाहेंगे। एक अंग्रेजी की मिसाल है, इफ यू नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ लाइफ यू गेट द बेस्ट। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे एक ऑफर आएगी हॉलीवुड से। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया, मेरा एक ऑडिशन हुआ, दो हुआ, तीसरा हुआ, तीसरे पे मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ये जो इतनी दिनों से आ रहा हूँ ये हो क्या रहा है, मुझे समझाएंगे आप। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप एक फिल्म के लिए हम ऑडिशन कर रहे थे और एक आप मिलिट्री इंटेलिजेंस का रोल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है जी। और जो साहब थे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जिनका मैंने रोल किया, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से, इस डॉक्यू ड्रामा, उनका नाम था दोस्त अलियानी, ही वॉज इन मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो मैंने कहा इस फिल्म में है कौन कौन। तो उन्होंने कहा जी इसमें इरफान खान है। तो मैं यूं हो गया, मैं कहा इरफान खान, मैंने कहा जी जी। उसके बाद मैंने कहा और कौन है, साजिद हसन, मैंने और खुश हुआ, मैंने कहा और कौन है, उसने कहा उसके अंदर एंजेलिना भी है। तो मैं आराम से जाके बैठ गया। कहते मैंने कहा हाँ, एंजेलिना ने मुझसे कई चार पांच दफा पूछा है कि वो उनके साथ काम करूं। सॉरी अदान, मैं बात कर रही हूँ, मैं बता दूं लोगों को कि एंजेलिना हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। तो मैंने कहा उन्होंने मुझसे कहा है कि चार पांच दफा काम करो। फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं आप शायद समझे नहीं। मैंने कहा किस एंजेलिना की बात कर रहे हैं आप। कहते एंजेलिना जोली। मैं कहा एंजेलिना जोली, मैं समझ रहा था एंजेलिन मलिक को, मुझे क्या पता था वो एंजेलिना जोली होंगी। तो वो एक फिल्म हुई। उसके बाद मैं बुशरा आपा का एक सीरियल कर रहा था, पाकीज़ा, और बहुत ही ज़बरदस्त किरदार था उसके अंदर। वो किसी ने इंडिया में देखा, और वो बोनी कपूर की साहबजादी थी, उन्होंने देखा उस रोल को। उन्होंने अपने वालिद साहब से कहा कि अगर आपने फिल्म में लेना है तो इन साहब को लें। तो फिर मैं इंडिया गया, मॉम मैंने फिल्म की श्रीदेवी के साथ। उसके बाद फिर पाकिस्तान में लॉलीवुड में एक फिल्म की जिसका नाम था यलगार। मतलब सीक्वेंस आपका रहा हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड। लॉलीवुड ऐसे रहा। वेरी नाइस। अच्छा, तो अभी और किसी मूवीज में क्या नए प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, मूवीज के हवाले से भी और
सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आप उसमें खुद भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं? जनाब बहुत जल्द आप देखेंगे, उसी लिए मैं बाल वाल बढ़ा रहा हूँ कि ये बाल जरा और लंबे हो जाए। बड़ा मुश्किल काम है जी, जिन्होंने लंबे बाल रखे हैं सलाम है उनको। ये फिर उसके लिए मैं एक कर रहा हूँ, फिर एक मैं फिल्म इंशाल्लाह दिसंबर में लॉन्च करूंगा और एक सीरियल पे काम कर रहा हूँ मैं। That's nice. अच्छा जो लोग यहाँ आगे बैठे हुए हैं, मुझसे दो तीन लोगों ने कहा था कि वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल भी माइक आप तक नहीं पहुँचाऊंगी, लेकिन आप यहाँ जो कैमराज हैं इनके पीछे खड़े होकर एक जोरदार सवाल कर जाइएगा, ठीक है? और जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो प्लीज उनको गाइड कर दें ताकि हम आपके सवाल दे सकें। और ये फरमाइश खास तौर से अदनान की थी कि हम बच्चों से सवाल जरूर लें। ऑफ कोर्स आप सबके सवाल होंगे, सबके हम नहीं ले सकेंगे, लेकिन एक दो हम चाहेंगे कि ले लें ताकि अदनान की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और आप लोगों को भी लगे कि हाँ हमने खुद गुफ्तगू की है। ये तो बिल्कुल आगे से ही पूछ रहे हैं, पूछ लें यहीं से, मैं बता दूंगी। अच्छा मेरा सवाल ये है अदनान भाई से कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल तक, कॉलेजेस लेवल तक इसको एक सिलेबस के तौर पर पढ़ाया जाए तो Good. आज तक आपने इस हवाले से कोई सजेशंस दी? गुड, सेकंड क्वेश्चन, थैंक यू अदनान। हम दो तीन सवाल लेके देखा पाएंगे ताकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है जी। जब तक आप आई डोंट नो कुछ सॉर्ट कर रहे हैं अदनान, बाकी में क्या टीचिंग में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हम देखते हैं कि ड्रामा थिएटर के अब कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं, फिल्म मेकिंग भी हो रही है, तो आप कहीं पढ़ा रहे हैं या आपका क्या हो? मैं पढ़ा तो नहीं रहा, मगर शाह साहब के आर्ट काउंसिल कराची के अंदर ही पढ़ाया जाता है, अदाकारी लिखाई ये सब सिलसिला उधर चल रहा है, फिर नैपा है और फिर एक स्कूल अभी और भी खुला है, तो उस हवाले से मुझसे उन्होंने बात की है, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं एक सब्जेक्ट के लिए ज़रूर जाऊंगा उधर, मगर एक अरसे से सिलसिला तो चल रहा है कराची में। और अब उसको आप जो कह रहे सिलेबस के अंदर होना चाहिए तो ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जहाँ हमसे खिदमात हासिल की जा सकती हम जरूर आएंगे। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट है? क्या आप लोग चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट हो? खैरा नहीं, नहीं। तो बिल्कुल आपके डीन यहाँ मौजूद हैं, वो ऑफकोर्स बीसी मौजूद हैं, वो देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उन्होंने आपकी ख्वाहिश भी सुन ली। अच्छा एक बात और बताइए कि जिस टाइम पे आपने एक्टिंग शुरू की तो उस जमाने में एक्टिंग को बहुत संजीदगी से एज अ करियर नहीं लिया जाता था, और डेफिनेटली आपका जो एक्सपोजर है वो डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स का भी रहा है, आपने बैंक में भी काम किया है, आपने टेलीकॉम में भी काम किया है, तो जब आप एक्टिंग मॉडलिंग में आए और फिर आप अदाकारी में आए तो क्या आपको ये सवाल सुनने को मिला था कि अच्छा अच्छा अदाकारी तो करते हो लेकिन वैसे क्या करते हो, असल में क्या करते हो? तो सिलसिला शुरू ऐसे ही हुआ था कि जब मैं गया और मैंने पहले दिन जब मैंने एक हमारे बहुत बड़े अदाकार हैं और उनको मैंने देखा कि टीवी की जो लॉबी है उसके अंदर वो बेचारे एक प्ले कार्ड लेके बैठे हुए हैं कि मेरे इलाज के लिए मदद की जाए, और जब मैंने देखा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से उनकी क्या कमाल की अदाकारी, तो उस वक्त मैंने रियलाइज किया था कि भाई ये अदाकारी में तो सिलसिला नहीं गुजारा जा सकता। तो फिर क्योंकि मुझे याद है अभी तक कि उरूसा के जो मुझे जो चेक आए थे वो हम 3 महीने के बाद वो 15,000 रुपये मिले थे मुझे, तो उससे तो ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती थी। मगर उरूसा का वाकया ये है कि मैं और मिशी इंट्रोड्यूस हुए थे उसके अंदर, मिशी 3 भाइयों की एक बहन है, तो जब वो बात करती थी कि मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं खाना खाऊंगा, तुम भी चल रहे हो मेरे साथ खाना खाने, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा इसमें हीरो कौन है, मैं हूँ कि मिशी है? वो आता जाता खाता ऐसे बात करती थी, टॉम बॉय थी। अच्छा मुझे इशारा आ गया है पीछे से, क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी भी बातें करते रहे कम होता है, मैं चाहती हूँ कि क्लोजिंग में आप अपना लिखा हुआ कुछ सुनाएं और उसके बाद हम यहाँ से कुछ बजा देता हूँ जबरदस्त सा। बजा दीजिए, बिल्कुल बजा दीजिए और आप सब गुनगुनाइएगा। Thank you.
अहमद शाह की फरमाइश आई है पीछे से जी, अहमद शाह की। अब अहमद शाह की तो किसी बात को हम इनकार कर ही नहीं सकते। कह रहे अदान को बोलो पोएट्री सुनाए। आप लोग मुत्तफिक हैं, कुछ सुन लेना अदान का लिखा हुआ अभी। बहुत मजबूर होके देखते हैं जो अपने, बहुत मजबूर होके देखते हैं, सॉरी दूसरा सुना देता हूं, बहुत मजबूर होकर काटते हैं जो अपने ख्वाब के पर काटते हैं। आप कहीं जाए ना जाए लेकिन मेरा रास्ता बराबर काटते हैं। वाह, ये हमारी पीढ़ियों की शह रगे हैं जिन्हें हम पेड़ कहकर काटते हैं। वाह, बहुत मुश्किल है पर्चे जिंदगी के, मदद मांगो तो नंबर काटते हैं। कहां जाते हैं वो बूढ़े परिंदे जिन्हें खुद अपने ही पर काटते हैं। भले जितने मकान तब्दील कर लें, बिना मां बाप के घर काटते हैं। वाह, मुकर है। और एक आप सबके लिए है, यहां गम से मुराद है योर हार्डशिप, योर स्ट्रगल्स, योर फेलियर्स। और ये मुझे मेरे वाले साहब बचपन में सुनाते थे, जब मुझसे कोई भी काम नहीं होता था तो कहते थे जो मैंने शेर सुनाया है उसे दोहराओ। तो ये आप सबके लिए है, वो शेर है, मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर दूर तक गए, मेरे गम मेरे साथ बहुत दूर दूर तक गए, जब मुझ में थकन ना पाई मेरा साथ छोड़ गए। तो हिम्मत मत हारिए, जो काम कर रहे हैं लगन के साथ कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, साथ मेहनत जरूरी है, अल्लाह ताला उसका अजर जरूर देते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। क्वेटा आप बताइए जाते जाते कि अदनान से आप लोग कितना प्यार करते हैं। 1, 2, 3 Have a big hand for Adnan Siddiqui. अभी जो है ना, कुछ और हमने आपके लिए जबरदस्त चीजें रखी हुई हैं, तो यू विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। मैं सीएम साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहब ने यह कहा था कि पूरे 2 दिन मैं सुबह से रात तक बैठूंगा, लेकिन वो एपिक्स कमेटी और उस चक्कर में नहीं आए, तो आप इतना टाइम दे रहे हैं इन नौजवानों को, बच्चों को, तो हैव अ बिग हैंड फॉर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान। ठीक है, और अदनान ने मुझे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि बेटर। सो नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल जो आपकी जो मेजबानी थी और जो आज और जो कल हमने देखा है, कमाल है जनाब। बहुत देर की मगर आए, दुरुस्त किया आके। वो तो खुद अभी आए, देर का किए हमने हम आते रहेंगे। तो